बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों शुक्रिया भाई, शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका लोहो हाई कोर्ट बाग का PLF का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर मुझे ये मौका दिया गया कि मैं लाहौर हाई कोर्ट से खिताब करूँ। मेरा ख्याल में ये मेरा तीसरी दफ़ा है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट आया हूँ, और कहा जाता है कि the murderer always returns to the scene of the crime। कहा जाता है कि जो कातिल है they always return to the scene of the crime, मगर इस लाहौर हाई कोर्ट में जो मजलूम है, जो विक्टिम है, तो दो नस्ल हमारे आपके पास आते रहे इंसाफ मांगने के, कि यहां इस लाहौर हाई कोर्ट पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के लिए बड़ा एहतराम के साथ ही कैसे कहा जा सकता है, लेकिन आज तक इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर में देखा जाता है कि यहां एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और कातिल कौन था? कातिल आमिर जियाउल हक था। कातिल लाहौर हाई कोर्ट के वो जज साहिबान थे। कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। कातिल वो वकला, वो सियोलत, वो वकला, वो सियासतदान, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सहूलतकार बने थे, वो तमाम के तमाम हमारे कायद के कायदे आवाम के कातिल है। और आज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस फैज ईसा साहब का, तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूं कि सदर जरदारी का रेफरेंस जो 12 साल पहले भेजा गया था, आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला इतने सालों बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। और हमारे जब साहिबान अपने ही इदारों से वो खून, वो दाग अपने फैसलों से वो धोएंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझे, मेरे खानदान को, मेरे जमात को, मेरे पार्टी के कारकुनों को इंसाफ देंगे, मगर इसलिए कि वो एक और पत्थर में लकीर खींचेंगे कि आज के बाद किसी वजीर आजम के साथ ये सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो वजीर आजम, चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखे, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखे, और जी हां वो तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखे, तो फिर उन सबको जो भी आगे जाके इस मुल्क के वजीर आजम बने, सियासतदान बने, उनके साथ ये सलूक ना किया जाए, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके,
fifth largest population in the world. हम हमारे मुल्क की अवाम इतने होशियार है, इतने मेहनती है. हमने पाकिस्तान ने कम वसाइल में से मगर ज्यादा मेहनत से दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है. हमने साबित किया है जब कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था तो ये यही पाकिस्तान था जो पूरा मुस्लिम उम्मा का कयादत करता था, जिसने पूरा मुस्लिम उम्मा को इसी लाहौर शहर में जमा किया था और ओआईसी का जो कॉन्फ्रेंस करवाया गया वो इसी शहर में था. एंड देयर इज नो, ये वही पाकिस्तान था जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम ममालिक को समझाया कि ये जो आपके पास तेल है ये ना सिर्फ एक कमाई का जरिया है मगर ये आपका ताकत है और आप इस ताकत को इस्तेमाल करें. आज हम देख रहे हैं किस तरीके से हमारा फिलिस्तीन के बहने भाई के साथ जुल्म किए जा रहे हैं. तब भी जुल्म किया जा रहा था मगर तब लीडर्स होते थे. तब जब जुल्म हो रहा था तो भुट्टो शहीद मौजूद था और वो भुट्टो शहीद ही था जिन्होंने पूरा मुस्लिम उम्मा को एक करके ये फैसला लिया कि जब तक फलस्तीनियों के साथ ये जुल्म जारी रहेगा तब तक हम आपको तेल नहीं देंगे. और ये क्या हम माने कि ये कोइंसिडेंस है? कितने बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में पहला एटॉमिक पावर बनाया गया. खौफ ये नहीं था कि पाकिस्तान के एटॉमिक पावर, कहा गया कि ये इस्लामिक बॉम्ब है. तो क्या हम ये समझे कि ये कोइंसिडेंस था कि कायदे अवाम से लेके जो एक एक शख्स उस ओआईसी कॉन्फ्रेंस में इस फैसले में मौजूद थे उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया? हम यही तो उम्मीद रखते हैं अपने अदालत से. कितने साल गुजरने के बाद अब ना सिर्फ कानूनी लिहाज से कानून के मुताबिक इस गलत प्रेसिडेंट को दुरुस्त करेंगे मगर तारीख को भी दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि आपके कायद के कातिल कौन थे. तारीख दुरुस्त इसलिए करेंगे ताकि ये प्रेसिडेंट को हम हमेशा के लिए मिटाया जाए. कहा जाता है कि दिस प्रेसिडेंट इज नेवर यूज्ड, द केस इज नेवर साइटेड. बट द केस में नेवर बी साइटेड, मैं वो प्रेसिडेंट तो आज भी कब से चलता आ रहा है कि एक हुक्म के मुताबिक जुडिशरी कोई फैसला दे और ऐसे फैसला दे जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लीडर को फांसी का सजा सुना दे. तो अगर इंशाल्लाह ताला आपको हमें ये इंसाफ दिया जाएगा तो वो प्रेसिडेंट, नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक केस but the precedent of dictation, the precedent of manipulation, the precedent of victimization, that should be buried forever. Pakistan mein is waqt politics mein ek polarization aur ek hyper partisanship hai. Abhi chand minute pehle aap nare laga rahe the to piche se Imran Khan ke nare lage. Now main वैसे इस बात के बहुत खुश हूं, इसलिए
हमने सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। हमने सियासत को, और मैंने जब मैं हम कहता हूं तो सबसे बड़ा उसमें सबसे बड़ा किरदार तो खुद खान साहब का था। खान साहब का तो खुद उसके सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें, वो तो कहता था कि मैं बात नहीं करूंगा। वो कहता था कि मैं खुद खुशी करूंगा मगर मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा। अब महसूस हुआ होगा कि अगर खान को गरी चोर करार दिया जा सकता है तो शायद जिन पे खान साहब चोर का इल्जाम लगा रहे थे उसमें भी शायद कोई गलत इल्जाम लगा रहे थे। anyway, मकसद ये है कि जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो, तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। मैं जबरदस्ती आपसे जिए भुट्टो के नारे नहीं लगवाऊंगा, मगर मैं इतना उम्मीद रखता हूं कि आप भी माने कि मैं मुहिबे वतन पाकिस्तानी हूं और मैं भी मानूं कि आप मुहिबे वतन पाकिस्तानी। मैं आपका लीडर से सियासी इख्तलाफात रख सकता हूं, एक दूसरा राय रख सकता हूं, मगर जो सियासी कारकुन है उनका मैं इज्जत करता हूं, मैं उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, के नफरत की सियासत, के तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद यह सियासत वापस लेकर आया। जब हमने कहा कि हम सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात ही रखें, जाती दुश्मनी पे ना उतर आए, हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीकेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने, हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे, तो हमें कहा था किया कि मुकमका ये इस तरीके से एक मुल्क जिसका 250 मिलियन का पॉपुलेशन है, जिसका आज जो मुआशी बहरान है, हमने अपने तारीख में इस किस्म का मुआशी बहरान का मुकाबला नहीं किया। हमारे जो मसले हैं इस मुल्क के, जो खतरे हैं जियोपॉलिटिकल, जो हमारे खतरे हैं दहशतगर्दी की तरफ से, जो हमारे खतरे हैं, अगर हमारे पुराने सियासतदान पुराने तरीके से लड़ते रहेंगे आपस में तो हम उन मसले का हल नहीं निकाल सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा के लिए ये पुरानी रवायती सियासत को दफन करें और एक नया सियासत इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएं, जहां सियासतदान भी सियासत के दायरा में अगर रह के काम करेंगे तो
तो फिर हम मिलके बाकी इदारे को भी अपने दायरे में लेके आ सकते हैं। हम ये करके दिखाया है माजी में, मगर जब तक हम सब ये फैसला नहीं करेंगे तो तब तक फर्क नहीं पड़ता। फरवरी 8 को इलेक्शन है, अगर हम यही पुराने सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आजम बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल केस चल रहा है, ये भी एक बार अब मौका है कि हम तारीख को, कानून को और अपना सियासत को भी थोड़ा बहुत दुरुस्त करें। मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आईन का जिक्र किया जाता है और जम्हूरियत का और इंसानी हकूक का जिक्र किया जाता है, वो सिर्फ तब याद नहीं होगा हमारे पुराने सियासतदान को जब वो अपोजिशन में है, और जो हुकूमत में आए तो फिर उस आईन को भूल जाते हैं, उस कानून को भूल जाते हैं, उन इंसानी हकूक को भूल जाते हैं, उस जम्हूरियत को भूल जाते हैं। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि इस मुल्क का अक्सरियत, अब हमारा 70% आबादी नौजवान है, जो फैसले लिए जाते हैं इस्लामाबाद में वही पुराने सियासतदान अगर फैसले लेंगे तो वो आगे 5 साल का सोचते, 10 साल का सोचते। मैं इस मुल्क के नौजवानों से पूछता हूं कि आगे जो 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं? आज अगर मैं हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो तब हम जब अपना जुबली मना रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि हम फख्र के साथ वो जुबली मनाएं। इसलिए आज मैं फख्र के साथ गोल्डन जुबली तो नहीं मना सकता, मगर इस मुल्क के नौजवानों को कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरे बात ना माने, अगर कोई और आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करूं उनकी बात भी ना माने। इस मुल्क के मुस्तकबिल आपके हाथ में है, हमने अब अपना हक छीनना है। अगर हम अपने हक छीनते हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, तो हम शायद अपना मुल्क को भी बचा सके, अपने अवाम को इस महंगाई, इस गुर्बत, इस बेरोजगारी से बचा सके। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर जो दो हमारा जो सैलाब हुआ जिसका 2/3 जमीन पाकिस्तान का पानी में डूबा हुआ था, इतने सारे खानदान उससे मुतासिर हुए, और ये एक शर्मनाक हकीकत है कि पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ते रहे और हम आज तक उन मुतासरीन को मदद नहीं कर सके। हम अपना तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मान लेता हूं कि इसमें एक बड़ा हाथ खान साहब के वो फैसले थे जो सैबटाज किए थे, लेकिन साथ साथ जो खान साहब के बाद मुआशी टीम आए थे वो इस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी पे काबू नहीं हो सके। तो अगर हमने वही पुराने तरीकेकार अपनाने हैं, चाहे वो हमारे सियासत हो, चाहे वो हमारा मीशत हो, चाहे वो हमारे मुआशरे हो, तो फिर आइंस्टाइन का एक सेइंग है, तो ओके आई एम नॉट गोना कोट बिकॉज फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे और आप लोग जो पीछे हैं मीम्स बनाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं बस इतना कहूंगा कि ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, हम सबका मुल्क है,
आए मिलके इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। और किसी को आपको ये ना, खास तौर हमारे नौजवान नस्ल को जिनके पास एक उम्मीद है, उनको हम मायूस नहीं करना चाहते। और इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम इन मुश्किल से निकलेंगे। और वो वादे जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के साथ किया था, इस मुल्क के अवाम के साथ किया था, मैं और आप मिलके वो वादे पूरे करेंगे। जहां तक कायदे अवाम, कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, उसमें भी मैं इस मुल्क का लीगल कम्युनिटी से अपील करता हूं। मैं शुरू में ने किया आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, जहां हमने एक बार फिर ये मुतालबा रखा। हम बहुत उसके बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट किया था, ये पिशावर हाई कोर्ट किया था। आज मैं आपके पास आया हूँ आपके साथ मांगने के लिए कि आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इंसाफ के साथ दे। और इस जो तारीख में एक दाग ना सिर्फ उन अदारे में मगर हमारे पूरा मुल्क पे लगा है, हम सब मिलके उस पे उस दाग को धोए। आप, मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे आप पे, लॉयर लीगल कम्युनिटी पे आप पे एतमाद है, और आप ही से हम सवाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कत्ल कत्ल होता है, उसका कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता, और उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि कत्ल पुराना हो गया, 5 साल 10 साल बात है तो फिर आप उसका इंसाफ ना दें। मैं जानता हूँ कि इस केस में 186A के मुताबिक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सवाल है, भबूर एतमाद है, ना सिर्फ अपने वकला पे मगर जुडिशरी पे, दूसरे लोगों का मदद उन्होंने मांगा उन पे, कि इस नुक्ता को भी हम ज़रूर कवर करेंगे। बट जो मीडिया में एक इसको बुनियाद बना के कहते हैं कि हम अपना इंसाफ जो हम मांग रहे हैं वो हम ना करें इसलिए कि ए पुराना है, भी आप हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आप हमें मुतमिन नहीं करें, तो मैं बड़ा एहतराम के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब दे, मगर जो इसको बुनियाद बनाना चाह रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता जब हम पूछते हैं कि कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब सुप्रीम कोर्ट डैम बना रहा था, कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब सुप्रीम कोर्ट कराची के इमारतें और गरीबों का घर गिरा रहे थे, कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब इसी सुप्रीम कोर्ट टमाटर की कीमत और पता नहीं किस किस चीज, अंडों की कीमत और पता नहीं फिक्स कर रहे थे, कहाँ था क्वेश्चन ऑफ लॉ जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल कर रहे थे। हमारा यही क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इज इट लीगल, डज द लॉ अलाउ द लाहौर हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू मर्डर? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू, दैट इज माई क्वेश्चन टू द जुडिशरी। और उम्मीद है हमें इंसाफ दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से मुझे ये मौका दिया। और जिस तरीके से अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हमारा इस मुल्क में बार्स अपने काम कर रहे हैं, वो लीगल कम्युनिटी का आज भी शायद फख्र के बायस है। थैंक यू एवरीबॉडी।